हेलो हाय तेरी लव यू मनीषा लव यू टू एवरीबॉडी नहीं खोल दे अंधेरा आ रहा है। हाय हेलो एवरीवन, हेलो इंडिया, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। लव यू मनीषा लव यू टू। रोहित कहाँ है? रोहित तो घर पे है, हम मुंबई में हैं। मनीषा रानी सिला की जवानी कर देती है सबको पानी पानी, आप लोगों की जान, आई लव यू ऑल। और आप लोग कैसे हैं? हाय मनीषा रानी, सभी की दिलों की रानी, थैंक यू सो 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 मच। तो आज मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, मेरे फैंस, मेरे जनता, आप लोग मुझसे टेक माय नेम प्लीज HST अलीना, हाय अलीना, हाय। आप लोग प्लीज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं सब ना, आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट। दिल्ली कब जाओगी पंटोले से मिलने? ओके, जल्दी जाएंगे। अभिषा फैंस आर हियर, राधे राधे, राधे राधे, यू आर वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू। सोहेल खान, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, आप लोग जितने भी हैं मेरे फैंस, जो मेरे फैंस ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे फैंस हैं, वो सब आ जाइए जल्दी 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 जल्दी। और मनीषा रानी से बहुत सारी बातें कीजिए। बिग बॉस का सफ़र कैसा लगा? बिग बॉस का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब बिग बॉस करना तो मेरा ड्रीम था, और अभी जो हम जी के आए अंदर का लाइफ, बहुत मज़ा आया। हाँ, जितना हम सोचे थे कि बहुत इजी रहेगा, इतना इजी नहीं है बिग बॉस करना। हर चीज़ बहुत आसान दिखता है, बट इतना आसान है नहीं। जब अंदर जाइएगा तो फिर जो अंदर जाएगा, आई थिंक अच्छे अच्छे एक हफ्ते में बाहर निकल जाए, ऐसा है बिग बॉस। एल्विस के साथ वीडियो कब बनाओगे? जल्दी। आशिका भाटिया मेरी रानी सबसे प्यारी, ये आशिका, लव यू, लव यू मेरी जान। हाय सिस्टम, हेलो दी, लॉकेट कहाँ है दी? अच्छा गुरगांव आ जाओ, आज मंजली जी का लाइव है। ओके, तो हम सबसे पहले दिल से अपने सारे फैंस को थैंक यू बोलना चाहेंगे, जितने भी मनीषा रानी के फैंस हैं। मैंने देखा है कि आप लोग ने मुझे इतना इतना प्यार दिया है ट्विटर पे, आप लोग ने हमेशा मुझे ट्रेंडिंग पे रखा है। जब हम अंदर थे मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे लगता था कि मेरे को प्यार मिलेगा आप लोग से, बट इतना प्यार मिलेगा, मतलब मुझे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम जब भी बाहर निकले जब से बिग बॉस से, और जब हम कमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत क्यूट हैं, लव यू मनीषा जी, मेरा नाम लीजिए ना, पल्लवी, हाय पल्लवी, अरे सुनो ना, हाय बोलिए ना। हाँ, तो हम यही बोलेंगे, सुनिए आप लोग, सुनिए मेरे बात। जब हम बिग बॉस में गए और इसके बाहर जब हम वापस आए अपने दुनिया में, इस दुनिया में, तो मुझे लगा था कि हम जाएंगे तो आप लोग मुझे प्यार कीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार कीजिएगा ये नहीं पता था। मतलब हम जब भी कमेंट पढ़ रहे हैं तो वो सब में आपने मेरे बारे में इतना अच्छा लिखा है आप लोग ने, कि मनीषा आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी फेवरेट हो, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने ट्विटर पे हमेशा मुझे ट्रेंडिंग में रखा, इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया, हर जगह पे इतना प्यार दिया, पूरा सोशल मीडिया में आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा दिल एकदम गार्डन 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 हो गया। और अगर हम बिग बॉस में थर्ड आए हैं, फाइनलिस्ट बने हैं, मैंने जो भी बिग बॉस का सफ़र तय किया वो सब आप लोग के वजह से। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता। और अपने दिल से, किडनी से, धड़कन से, हम दिल और धड़कन से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिए, और आप लोग बहुत अच्छे हैं यार। मेरा दिल मेरे फैंस के नाम है, मेरा धड़कन भी, और हम सिंगल हैं, लेकिन आप लोग अगर इतना प्यार दीजिएगा ना, तो हम आप लोग का प्यार के सहारे के साथ भी सिर्फ जी लेंगे, मेरे को फिर नहीं चाहिए कोई, क्योंकि जब आप लोग से इतना प्यार मिलेगा तो फिर हम तो ऐसे ही खुश रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, लव कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने ये चीज़ भी देखा है कि अगर मेरे खिलाफ जाके कोई कुछ भी बोलता, थोड़ा बहुत भी, मतलब खिलाफ नहीं, बट अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी वीडियो क्लिप आता है, तो उसमें भी मेरे फैंस मुझसे इतना प्यार करते हैं कि तुरंत वो लोग कमेंट में लिख देते हैं, अरे मनीषा तो ये है, मनीषा बहुत अच्छी, मनीषा के बारे में कुछ मत बोलिए। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जनता मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं,
भगवान मेरे को ना इस दुनिया में आना मेरा सफल हो गया क्योंकि आप लोग से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। प्योर ब्यूटी, हाय मनीषा रानी, हाय। सुनो ना खुशी जी, बोलिए ना टॉनी कक्कर के बारे में बोलो। टॉनी कक्कर बहुत अच्छे हैं, नेहा कक्कर दी बहुत अच्छी है, उनके फैमिली बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अब दिशा फैंस, मिस यू दी, मेरा नाम ले लीजिए, हाय सिसोडिया, हाय सिसोडिया, हाय सारिका दी, हाय निकी सेन, कैसे हैं आप लोग? वैसे आप बिहार से हैं? हाँ हम बिहार से हैं, हम बिहार मुंगेर से हैं। क्या बोले फुकरा भाई को बताइए, टॉनी सर से म्यूजिक वीडियो कब करेंगे? बहुत जल्द करने वाले हैं, आप लोग को पता चलेगा। बिग बॉस की विनर क्या? हाय हाय, कैसे हो दी? हाँ तो मनीषा रानी के जितने भी फैंस हैं उन सबको दिल से हाय सौरव, मैंने बिग बॉस कि इससे जाने से पहले सपोर्ट किया कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, सौरभ पटेल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत मोटिवेट किया था, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें बोली थी कि मनीषा आप जाओ अच्छे से खेलना, और मैंने अच्छे से खेला। हेलो मनीषा, एक रिक्वेस्ट है, बताइए प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए एक बार, PS2202। कोमल ये गेट लगा दो बाहर वाला आदमी। हाय डार्लिंग मुखिया, हेलो हेलो, आप लोग की डार्लिंग मुखिया मस्त है, आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से, और आपके डार्लिंग मुखिया हमेशा ऐसी मस्त रहेगी। बिग बॉस का क्यून मनीषा रानी, थैंक यू, सच में आप लोग जितना मुझे प्यार कर रहे हो ना, एक फेमस होना अलग होता है कि लोग फेमस हो जाते हैं, बट एक होता है कि लोगों को आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों के फेवरेट बन जाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। और मैंने ये देखा है अपने कॉमेंट सेक्शन में कि ऑडियंस ने, जनता ने, मेरे फैंस ने कहा है कि मनीषा जब जब आप रोई हैं तब तब हम भी रोए हैं, हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, आप तकलीफ में रहते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। तो मुझे बस मेरी जो ये कमाई है ना, बस मुझे यही चाहिए, धन दौलत भी चाहिए बट ये जो प्यार है ना जो आप लोग से मुझे मिल रहा है, बस हम इसके लिए ही मरे जा रहे थे और मुझे यही चाहिए, आप लोगों का प्यार। मतलब आप मुझसे, मेरे फैंस मुझे बस ऐसे नहीं चाहिए कि बस नाम वाला फैंस, मेरे फैंस मेरी फैमिली होनी चाहिए कि मतलब आपको तकलीफ में हम नहीं देख सकते, मुझे तकलीफ में आप नहीं देख सकते हैं, हम रोएं तो आपको भी दर्द हो और आपको दर्द हो तो हम जी ना पाए, ऐसा वाला फैंस वाला कनेक्शन होना चाहिए जो हम लोग में हो गया है। और हम चाहेंगे कि जिंदगी भर मेरे फैंस के साथ जो मेरा रिश्ता रहे यही रहे, एकदम रियल वाला, ओरिजिनल वाला, और ऑनेस्टी के साथ हम इस रिश्ते को निभाएं। क्योंकि आप लोग ने जब भी लिखा ना कि मनीषा आपको रोता हुआ हम नहीं देख सकते हैं, आप इतनी प्यारी इतनी अच्छी हो, मुझे इतना अच्छा लगा ना, बस मुझे बस लाइफ में यही चाहिए था कि मेरे फैंस मुझे इतना पसंद करे, प्यार करे। मेरा 1,00,000 ही फॉलोवर्स हो लेकिन वो मेरे दिल से प्यार करे हमको, और अभी मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं आप लोग सब मुझे पता है कि बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, और ये देख के मेरा दिल ना गार्डन गार्डन हो गया। आप लोग कितने अच्छे हो यार, आई लव यू ऑल। प्रेरणा दीदी को रिप्लाई कीजिए, प्रेरणा दी आई है क्या? मैंने देखा नहीं, फुकरा को बुला लो। हाय प्रेरणा दीदी, अगर आप आए हो तो हेलो। मनीषा रानी एल्विस के साथ साथ फेरे कब ले रहे? अरे रे रे, मनचले से बात होती है। मनीषा इज द बेस्ट, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू नेपाल से इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। आप नाम तो लो, हाय आकाश, हेलो।